ज्ञानेंद्र वर्मा प्रधान संघ अध्यक्ष उतरौला ब्लॉक जनपद बलरामपुर की तरफ से समस्त क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा में सभी बला के क्षेत्रवासियों को जिनको बहुत बहुत धन्यवाद और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत बधाई। सुमित कुमार सिंह खंड विकास अधिकारी रहरा जनपद बलरामपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर उत्कर्ष मिश्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहरा जनपद बलरामपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रवि मिश्रा भाजपा जिला महामंत्री जनपद बलरामपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हजारों लोगों की कुर्बानी के बाद भारतवर्ष में माननीय मोदी जी के आने के बाद अब लग रहा है कि राम आ जाएंगे और राम आएंगे और 22 तारीख को ही आएंगे। अभी तक लोग कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब मंदिर भी बन रहा है, उसका शिलान्यास भी हो चुका है, उसका लोकार्पण भी 22 तारीख को होगा और राम आएंगे आएंगे आएंगे। राम करण पांडे विधायक श्रावस्ती की तरफ से समस्त क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अपने बलरामपुर और श्रावस्ती के दोनों जनपद के वासियों को, सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को, जनपद के सभी अधिकारियों को और खासकर छाया बंधुओं को मैं हृदय की असीम गहराइयों से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना प्रेषित करता हूँ। नमस्कार। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।